आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। तुस्मा सेक्टर के मितानिनों ने मितानिन प्रशिक्षक सविता तिवारी के द्वारा किए जा रहे प्रताड़ना और पैसे की मांग को लेकर सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। जांजगीर चांपा जिले के आज तुस्मा सेक्टर के मितानिन ने सीएचएमओ कार्यालय जांजगीर पहुंचकर सीएचएमओ डॉक्टर आर के सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि मितानिन प्रशिक्षक सविता तिवारी द्वारा 8 मितानिन के साथ अभद्र व्यवहार, जाति सूचक गालियां और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके लिए हम मितानिनों ने कार्यवाही की मांग को लेकर नवागढ़ बीएमओ को 1 माह पहले आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई थी, मगर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके बाद आज जांजगीर सीएचएमओ कार्यालय पहुंचकर सीएमएचओ डॉक्टर आर के सिंह को ज्ञापन सौंपकर मितानिन प्रशिक्षक सविता तिवारी पर कार्यवाही की मांग की है। वही मांगे पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राज्य भाटा से बालेश्वर को सकते का समस्या लेके आप मन यहाँ आए? हमन दिसंबर 2021 में हमन आवेदन लगाए रहे हन, तो हमन के कार्यवाही वहाँ से एचआरसी से हो घले हेवाय और वहाँ से यहाँ सीएमएचओ ऑफिस में आए रहन हमन 24 तारीख के, तो सर बोली सेवा कि जल्दी से कार्यवाही करे बोली से बीएमओ सर ला, लेकिन अभी तक हमन के कार्यवाही हो नहीं है। कल हमन फिर आए रहे हमन तो बीएमओ सर बोली से कि एचआरसी से दोबारा निरीक्षण हो ली तेकर बाद तुमन के कार्यवाही हो ही कहके, लेकिन अभी हमन बीएमओ सर से बात करी से रायपुर के सर है तो वो बोला थे वाय कि मतलब कार्यवाही हो ही लेकिन धीरे से हो ही बोला थे। फिर हमन ला बोला थे कि दोबारा रायपुर से निरीक्षण करे नहीं लगाए, यही तुमन के कार्यवाही हो ही लेकिन लेट लगी कहा थे, तो हमन के कार्यवाही हते लेट काबर लगा था। हमन सच्चाई के लिए आवाज़ उठाए हैं लेकिन हमन इंसाफ नहीं मिल पाते हमन ला, तो हमन ला इंसाफ चाहिए। का कार्रवाई करवाना चाहत, का इंसाफ चाहिए? अब हमन जो भी ओती से कार्यवाही होई तेला कार्यवाही ला पूरा कर दे हमन ला, हमन ओ एमटी के साथ सविता तिवारी के साथ में हमन काम करना नहीं चाहतन। मोर नाम लता साहू है, मैं मितानी ना ग्राम तुस्मा के, और हमन समस्या लेके आए हैं कि हमन के जो एमटी सविता तिवारी के खिलाफ आवेदन लगाए हैं ओकर सबूत वबूत सब है हमन के साथ, ओकर बाद ही वहाँ से एचआरसी से सब आगे छानबीन हो के एक बाद भी यहाँ के वहाँ सी एच ओ सर से वो दिन भी मुलाकात करे हैं 24 तारीख के, तो बोली से उसको निकाल दो और दूसरा नियुक्त वो कर दो बोले हैं, फिर भी बीएमओ सर कोई ध्यान नहीं देते। क्या दिक्कत है आप लोगों से? हमन से वह पैसा वैसा लेते, गाली गलौज भी करते, हर चीज़ से परेशानी है हमन ला। कौन पैसा लेते आप? एमटी सविता तिवारी है। हमन हमन के मितानिन कार्यक्रम में जो पंजी आते तेमा पैसा भराते हमन के 1850 भराते ओमा, तो कर वो 500 लेते और ला नहीं देन त गाली गलौज भी करते, जात पात में भी हमन धमकी वमकी देते हर चीज में। आज का वही समस्या ले जाए ओकर एचआरसी से हमन के जो कागज आगे है ओला बीएमओ सर है दबा के रखे कि ओकर कार्यवाही नहीं करते अभी। कौन बीएमओ? पुष्पेंद्र लहरी क्षेत्र की, जो महिला सिरोना क्षेत्र के तुष्मा और उनकी शिकायत है, उस शिकायत पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या इसमें उनकी शिकायतें प्राप्त हुई थी लिखित रूप में, जिसमें जो है जांच कमेटी गठन किया गया था, कमेटी ने जांच रिपोर्ट अपने प्रस्तुत कर दी है और वहाँ जो है नियमानुसार उसमें जो कार्यवाही है वो अभी प्रक्रियाधीन है और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा शिकायत है कि पैसा लेती है और जातिगत अपमान करती है, तो क्या इन सब चीज़ों को भी शामिल किया? हाँ, जांच में सभी बिंदुओं को, जो शिकायत के बिंदु हैं उनको सभी को शामिल किया गया है और उसके सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए उसमें जाँच की गई है और जाँच में जो भी बिंदु सत्य पाए जाएंगे उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभी कोई टाइम उसमें है कि इतना दिन हो जाएगा तो कुछ और भी समय है? कोशिश है जल्द से जल्द किया जाए।